वक्त हम इस्लामिक कल्चर सेंटर में मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन किया जा रहा है दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से, आइए देखते हैं यहाँ कौन कौन लोग हैं और यहाँ इन्होंने क्या कहा। उदारा साहब को सबसे मैंने प्रार्थना की कि ये एक शानदार और एक तरह से ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जहाँ जाके आपको लगेगा कि हमने अच्छा काम किया। और मैं जब यहाँ आया तो इसके बाद मुझे लगा कि वाकई आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शानदार दिन। मैं आपको एक ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जितना मेरा बस चलेगा मैं अपने तमाम साथियों के साथ मिलके इस बात की गारंटी करूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए, बराबर उनकी इज्जत हो, बराबर उनकी हिफाजत हो और उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। और ये कोई समझाने की बात नहीं, हमारे देश का इतिहास भाईचारे की मिसालों से भरा पड़ा है। देखिए सद्भावना सम्मेलन इस वास्ते कहा गया है कि जिन लोगों ने जिन हीरो ने आकर हमारे मुसलमानों की वहाँ मदद करी, इसी तरीके से हम लोग उनका वेलकम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में गुर्जरों से को भी देख लिया, सबों को देख लिया, मगर अब हम चाहते हैं कि हरित प्रदेश चौधरी चरण सिंह का जो सपना था वो पूरा हो। तो वहाँ की सेकंड नंबर की जो कम्युनिटी है वो मुसलमान है जो खाप पंचायत के साथ खरीदी है और इसके बाद अब हरित प्रदेश बनेगा। जी जी, देखिए असल में आज यहाँ पे जो संभावना सम्मेलन हो रहा है ऐसा मुल्क के हर हिस्से में होना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि खाप पंचायत के लोग आए यहाँ पे, हरियाणा से जाट आए, पंजाब से सिख आए और दिल्ली से और नू से मुसलमान। ये दृश्य जो है मुल्क के हर हिस्से में होना चाहिए। तो ये मैसेज चाहेगा कि मुल्क की अक्सरियत जो है वो अम चाहती है, इंसाफ चाहती है और छोटी सी अकलियत है जो पूरे मुल्क को अंदर गंदा कर रही है, जहर फैला रही है। अफसोस की बात यह है कि ये जो अक्सरियत है वो अपने घरों में बैठ गई है, इसी वजह से ये लोग अंदर आते फिर रहे हैं जो फसाद फैला रहे हैं। अच्छा, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो नू का वाकया हुआ है उसके वाकये की हरियाणा के जाटों को, पंजाब के सिखों को और दिल्ली और नू के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया। तो मैं समझता हूँ कि यह खुशायंद बात है, ये मोहब्बत की महफिल है और मैं सबसे पहले इस मोहब्बत की महफिल को सजाने वाले जो आयोजक हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस मुल्क को आज मोहब्बत की ज़रूरत है, क्यों है? क्योंकि संसाधन, व्यवस्थाएं, नीतियाँ, लेकिन यदि मोहब्बत नहीं रही तो सब व्यर्थ हो जाएगा। हम कितना ही अर्जित कर लें, हम कितना ही इकट्ठा कर लें, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। और आज मोहब्बत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहेंगे, ऐसे सम्मेलनों के देश में जरूरत है क्योंकि हमारा देश फुलवाड़ी है, सभी तरह के फूलों का एक गुलदस्ता है। और जो देश विरोधी ताकतें उनको कह सकते हैं, समाज विरोधी ताकतें उनको कह सकते हैं, जो असली मुद्दों से, आर्थिक मुद्दों से हमारा ध्यान भटका के जो धार्मिक मुद्दों की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है कि सम्मेलन जगह जगह पे हो, भाईचारे। सम्मेलन जो हमारे करने का मकसद था नू तो एक वाकया है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की हालत है खास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, यहाँ ज़्यादा फिरका परस्ती बढ़ी है। तो हमने ये निर्णय लिया जो हमारे 25 तीस लोग हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, उनका एक फैसला था खास करके इरफान का और दिगर लोगों का और हमारा भी, कि हम गैर सियासी प्लेटफार्म बनाकर सद्भावना सम्मेलन करें। आज़ादी की लड़ाई लड़ी है लेकिन आज थर्ड क्लास का सिटीजन बना के रख दिया और मुस्लिम बस यही ताक झाक करता है कि हमारा साथ कौन देगा। साथ देने वाला तो रब होता है जिसने दुनिया में बनाया है, और केवल कानून जो है वो कुरान पाक है जिसमें जैसा लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता। बहुत अहम इनिशिएटिव है, खासतौर पे हरियाणा में और नू के इलाके में जिस तरह मुख्तलिफ मजाहब के लोग मिलकर उन्होंने फसादियों का समाधान किया और हिंदुओं ने मुसलमानों की, मुसलमानों ने हिंदुओं की, समझते हैं कि बहुत अच्छा मामला था, सारे मुल्क को उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ वो सब लोग आए थे और उनका सम्मान किया गया।
मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से। सर भावना सम्मेलन है, पूरे मुल्क में सर्वधर्म स्वभाव के काम होना चाहिए। किसी भी धर्म में धार्मिक नफरत, धार्मिक भेदभाव की कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं है। और इस चीज को आगे प्रोजेक्ट करने के लिए आज ये प्रोग्राम कमेटी की तरफ से कहना ये है कि नफरतों को खत्म करना, मोहब्बतों को बांटना। जो नूर के अंदर दंगा हुआ उसमें जाट पंचायतों ने और देव के लोगों ने तमाम मुसलमानों का भी साथ दिया और हिंदू मुसलमान सब मिलके रहे, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा गया है। मेरे हिसाब से तो ये जगह जगह मीटिंग है, काम जो हुआ ये आज शुरुआत है, जैसे अंधेरे में एक रोशनी आने वाली बात है। क्योंकि इतने टाइम से 2014 के बाद से लोगों के अंदर एक मायूसी छा गई थी और आए दिन लिंचिंग के नाम पर इसको मारा जाता था, और ये पहला इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसके बाद से लोगों के अंदर एक खुशी और एक उम्मीद की किरण दिखी है। क्योंकि इस तरह के सम्मेलन होने चाहिए देश में, इस टाइम बहुत ज़्यादा जरूरत है भाईचारे की, एकजुटता की, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, कोई नहीं तोड़ सकता ना। तो देखा आपने, सब ने एक ही बात कही है कि जो हिंदुस्तान में इंतशार पैदा हो रहा है, भाईचारे के लिए प्रोग्राम होना चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि मुल्क की एकता जो है बरकरार रहे। दिल्ली से अमरान। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।